फ्रेंड्स स्वागत एक नई वीडियो में उसके अभी नोटिफिकेशन साउंड किस प्रकार से चेंज करते हो बताऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स ये वाला सभी साउंड सेट है तो फ्रेंड्स कैसे चेंज करते हैं वो बताऊंगी फ्रेंड्स। मेरे पास है और रेडमी का फ़ोन है, इस शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आते तब आपको यहाँ देखते हैं साउंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। दो साउंड है एंड जो भी आपको पसंद है वो सेट कर सकते हैं। मोर और नोट्स या फिर इस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आप ये रिंगटोन पे आ जाते हैं। टोटल मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तभी वैसी जगह पर आ जाएंगे एंड ये लोकल इमेजेस इस पर क्लिक करते हैं। लोकल रिंगटोन तो यहाँ से फाइल में सेट कर सकते हैं अगर आपने रिकॉर्डिंग या फिर डाउनलोड कर रखी कोई भी। और इसमें माई रिंगटोन जी इधर माई वाला दिखेगा एंड साउंड होता है ये देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से ये वाला तो वो वाला तो होते जो आप फाइल में सेट करें, यहाँ से फाइल में जो ऐड नहीं होते इसमें पहले से होते हैं, यहाँ से आते हैं ये सामान लेते हैं। फ्रेंड्स आइडेंटिटी जो भी आपको पसंद आता है वो आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो ये वाला सेट था, मैं आपको कोई और सेट करके बताऊँगी। जैसे मुझे गिटार पसंद आया इसके बाद बैक कर देंगे, बैक करते देख सकते हैं गिटार वाला साउंड सेट हो गया। इसे पूरा बैक करेंगे तो यहाँ पर गिटार लिखा हुआ गया देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं एंड देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक चीप ये भी पसंद है एंड जैसे कि मुझे ये पसंद है एंड इसके बाद बैक कर देंगे फिर से चेंज हो चुका देख सकते हैं फाइट इन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने फोन नोटिफिकेशन साउंड चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स तब तक ही नमस्कार।